भिलाई के सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान नया सवेरा द्वारा स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ की महान कला विभूतियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सूफी गायक पद्मश्री भारती बंधु उपस्थित। भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली स्वर्गीय लता मंगेशकर को स्वरांजलि कार्यक्रम के तहत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भिलाई की सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्था नया सवेरा ने इस कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 10 भिलाई में किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सूफी गायक पद्मश्री भारती बंधु जी विशेष तौर पर उपस्थित हुए एवं छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकारों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपने गीतों के माध्यम से स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगन तुम्हें से लगा बैठे, लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देगा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम्हें से। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की कला विभूतियों का स्वागत सम्मान शॉल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। छत्तीसगढ़ की कला विभूतियों ने यह सम्मान पाकर खुद को अभिभूत बताया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए पद्मश्री सूफी गायक भारती बंधु ने आयोजकों को हृदय से बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की विभूतियों का सम्मान करना एक अनुकरणीय पहल है। खास कर मैं बहन मेरे जो महिला और संगत जो हैं कलाकार बनला ये ढंग से सुरता करे बर जो आज नया सवेरा के नाम से वो महान आत्माला वो महान विभूति लगेला माँ स्वरूपी के स्वरूपनी कहन ऐसे हर दिल से वास करिया माँ की स्वरूपनी लता जी की श्रद्धांजलि समारोह। हम कलाकार बन बर तो यही है, आने जाने दुनिया है, यही बहाना कम से कम देश ही नहीं अखिल ब्रह्मांड में जेकर आवाज गुंजाए मार होते हमर बिहनिया हमर साम कोनो न कोनो रूप में ओकर गीत ला श्रवण कर पाए और पथगामी है नुखर जब भी हम मंच में बैठबो वैसा ही स्मृति मन कर छवि हमर दिल जान के यही असर पूरी श्रद्धांजलि हम कलाकार और कैसा आयोजन हर वर्ष ऐसा महान विभूति मन के द्वारा असम्मानित साहेबंदी साहेब नमस्कार वंदे मातरम। मौसमी को दिल की गहराई से मेरा आशीर्वाद है कि एक अनूठा प्रयोग किया इसने, किसी का सम्मान करना वो भी लता जी जैसे विभूति के स्मृति में सम्मान करना, पंडित बिरजू महाराज जी की स्मृति में सम्मान करना, दानेश्वर शर्मा जी की स्मृति में सम्मान करना, ये निस्संदेह एक एक पवित्र भावना वाले विचार वाले व्यक्ति के अंदर में ही ये चीज़ें आ सकती है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और ये पूरी संस्था को आशीर्वाद देता हूँ कि वो निरंतर ऐसे काम करते रहें। ये सिर्फ सम्मान का समारोह का आयोजन नहीं है, ये कला जगत जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये पूरे प्रचुर मात्रा में सांस्कृतिक विरासत से लबरेज है, उसकी एक अनूठा प्रयोग है। एक विलक्षण प्रतिभाओं का ये सम्मान करना मतलब अपना सम्मान करना है। ये हमारे सम्मान की इस कड़ी को और भी लोग प्रेरित होंगे और मैं समझता हूँ कि ये इसका समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। कार्यक्रम के आयोजक नया सवेरा सामाजिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्था की अध्यक्षा मौसमी कमल टंडन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए छत्तीसगढ़ की कला विभूतियों का सम्मान करना एक गौरवपूर्ण क्षण है और इन्हीं कलाकारों की वजह से छत्तीसगढ़ के माटी की खुशबू पूरे विश्व में फैल रही है। यह सभी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनमोल रत्न हैं और वक्त वक्त पर इन अनमोल रत्नों का सम्मान होते रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम हमने रखा है ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस प्रोग्राम को इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ ऑर्गेनाइज करी हूँ और छोटी सी कोशिश है कि मैं स्वर गायिका लता जी को मैं श्रद्धा के दो सुमन चढ़ा सकूँ और
जिन्होंने इतना कुछ भारत को दिया है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे कहना चाहिए विश्व को, अपने स्वर के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से हम सबका नाम रोशन किया है। तो ये मेरे लिए ये प्रोग्राम करना कहना चाहिए बहुत ही छोटी सी कोशिश है जो मैं आज उनके लिए समर्पित कर रही हूँ। कला विभूतियों का सम्मान करना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि लता जी जो कि भारत रत्न से सम्मानित थी, वो भी कला के ही क्षेत्र से थी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं जब भी श्रद्धांजलि दे रही हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसे कलाकारों को बुलाऊं मैं जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी अपना नाम और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस संस्था के माध्यम से, जो कि बहुत कहना चाहिए बस प्रयास ही है, तो बस सम्मान देने की मेरी दिली इच्छा हुई कि नहीं मैं ऐसे लोगों को नमन करूं जो सचमुच में भारत रत्न हैं। बस इसीलिए ये सम्मान की प्रक्रिया चालित किया है मैंने, और आने वाले टाइम में भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा। सर, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे पद्मश्री आदरणीय श्री भारती बंधु जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हमारे आदरणीय मौसमी जी इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और कलाकार के नज़रियों से देखा जाए तो आज ये मंच जो है बहुत पावन हो गया, पवित्र हो गया कि ऐसे महान विभूति इस मंच पे, छोटे से हालांकि प्रयास है, छोटा सा मंच है, लेकिन ऐसे महान हस्तियां इस मंच पे आ गए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए और भिलाई के लिए गौरव की बात है। और खासतौर से जो नया सवेरा इनका जो संगठन है, महिलाओं का शैक्षणिक संगठन, उनके लिए भी बहुत गौरव की बात होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नगीने देश और दुनिया को दिए हैं। यही कारण है कि इन कला विभूतियों की आभा पूरे विश्व में बिखर रही है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम भी बहुत ही सम्मान के साथ कला के क्षेत्र में लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।